your channel Trisha. If you're new to my channel, then Magnu Trisha. I have been discovered this product 1.5 years back और तब से ये मेरे hair care routine में constant है. Honestly कहूँ तो इसने मेरे hair care game को बहुत ज़्यादा change किया है. Now if you're thinking what I'm talking about L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum. And this new L'Oreal Paris Extraordinary Oil Serum जो है new and improved packaging में आ गया है and it infused with the extraordinary formula और ये जो serum है पहले से ज़्यादा lighter हो गया है और जैसा कि मैंने कहा है 1.5 years ये constant मेरे hair care routine में है लेकिन 1.5 years back की अगर आप मेरे videos को देखें तो आप देखोगे मेरे hair ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे. Recently मैंने curly hair routine जो है follow करना start करा है but ये मेरे hair care routine में constant इसलिए है क्योंकि जब 1.5 years back मैं इसकी review कर रही थी तब मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल ब्लॉगर को इसके बारे में बातें करते हुए सुना था और उसमें से बहुत सारे इंटरनेशनल ब्यूटी ब्लॉगर्स जो थे उनकी कर्ली हेयर थी तो तभी मैंने देख लिया था कि कर्ली हेयर के लिए भी ये वो करता है. अभी मेरी हेयर केयर रूटीन में जो भी सारे प्रोडक्ट्स है 1.5 years बैक पहले जो था उसमें से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है. मोस्टली प्रोडक्ट्स मैं अभी यूज नहीं करती हूँ लेकिन ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये मेरे कर्ली हेयर के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क कर रहा है. एक्चुअली कर्ली हेयर रूटीन जब मैंने स्टार्ट किया था पहले इनिशियल डेज में जो प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा फेस हो रही थी वो है हेयर ड्राई होने के बाद कुछ हेयर्स में ना डेफिनेशन नहीं आ रहा था. वो डेफिनेशन लाने के लिए इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया और उसके साथ साथ फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम भी दिख रही थी. ड्राई होने के बाद हेयर जो है बहुत ज्यादा फ्रीजी दिख रहे थे एंड फ्लाईवेज यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लाईवेज दिख रहा था. लेकिन इन हेयर कंसर्न्स के साथ ये जो हेयर सीरम है मेरे लिए अमेजिंगली वर्क कर रहा है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा. सो अभी अगर आप मेरे ये कर्ली वेवी हेयर को देख के सोच रहे हो कि ये सीरम सिर्फ कर्ली या वेवी हेयर्स के लिए है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस हेयर सीरम इज फॉर ऑल हेयर टाइप्स अक्रॉस ऑल सीजंस. इसके साथ साथ मुझे ना ये चाहिए था कि मेरे हेयर ड्राई होने के बाद स्मूथ एंड नरिश्ड फील हो तो इस सीरम के साथ मुझे वो रिजल्ट मिलता है. मेरी हेयर बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड नरिश्ड फील होता है इवन आफ्टर ड्राइंग. सो मुझे बिल्कुल वेवी कर्ली हेयर चाहिए जो कि स्मूथ एंड नरिश्ड हो फ्रिज फ्री हो. और ये जो सीरम है 16% लाइटर है फ्रॉम द प्रीवियस L'Oreal Paris एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल सीरम और ये आपकी हेयर को 30% तक स्ट्रॉन्गर बनाता है. एक्चुअली ये जो सीरम है इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में अदर सीरम्स में आपको नहीं मिलेगा. जो वॉ फैक्टर्स है वो है ये आपकी हेयर को 24 आवर्स तक शाइन एंड स्मूदर रखता है एंड ये आपके हेयर को यूवी रेज पॉल्यूशन एंड ह्यूमिडिटी से भी प्रोटेक्टेड रखता है. इस हेयर सीरम के जो नॉन स्टिकी फॉर्मूला है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. ये नॉन स्टिकी होने के साथ साथ ही आपके हेयर को फ्रीज फ्री भी रखता है. एंड दिस सीरम इज इन्फ्यूज्ड विद 6 प्रीशियस फ्लोरल ऑयल लोटस टियारा रोज फ्लैक्स कैमोमाइल एंड सनफ्लावर दैट मेक्स योर हेयर हेल्दियर एंड मैनेजेबल. सो मेरी हेयर टाइप वेवी है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा फ्रीजी तो कर्ली हेयर रूटीन करने के बाद मतलब जिस दिन मैं शावर लेती हूँ और कर्ली हेयर रूटीन फॉलो करती हूँ उस दिन तो मेरे हेयर काफी अच्छे दिखते हैं क्योंकि मैं स्टाइलिंग करती हूँ सब कुछ करती हूँ. लेकिन नेक्स्ट डे सोने के बाद जब मैं उठती हूँ तो मेरे हेयर बहुत ही ज्यादा फ्रीजी दिखते हैं बट अभी से वो नहीं होता है. मैंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है. बेसिकली मैं सीरम को एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट यूज करती हूँ तो सोने से पहले मैं अपने हेयर में थोड़ा सा पानी स्प्रे करती हूँ और उसके बाद सीरम को लेकर थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद जो सैटिन बोनेट होता है उसमें मैं अपने हेयर को रख के फिर मैं सो जाती हूँ. और इससे क्या होता है नेक्स्ट डे उठने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे हेयर में थोड़ा सा भी फ्रीज नहीं है. मेरे हेयर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मैनेजेबल एंड बहुत ही ज्यादा नरिश्ड फील होता है. इससे पहले तक मैं जब भी कोई हेयर सीरम अप्लाई करती थी वो मोस्टली मैं अपने हेयर को डिटैंगल करने के लिए करती थी क्योंकि कोई भी हेयर सीरम ऐसा था ही नहीं जो मेरे हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करे. लेकिन ये हेयर सीरम मेरे हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जब भी आप देखोगे मेरे हेयर में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा. जब मैं इस सीरम को यूज नहीं कर रही थी अपने कर्ली हेयर रूटीन के लिए और जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट करा है आपको डेफिनेटली एक विजिबल डिफरेंस दिखेगा दोनों में. और ये जो हेयर सीरम है बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है. आप बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस से यूज कर सकते हो. बिफोर हेयर वॉश आफ्टर हेयर वॉश आपके हेयर को स्टाइलिंग करने के लिए हीट प्रोटेक्शन के लिए एंड फाइनल टचअप के लिए एंड लिटरली मैं एवरी पर्पस इसे यूज करती हूँ. एवरी टाइम जब भी मैं इस सीरम को यूज करती हूँ तो मेरे जो हेयर है बहुत ही ज्यादा नरिश सॉफ्ट एंड हेल्दी फील होता है और हेयर में एक बहुत ही अच्छा सा शाइन आता है. जो फ्रीज फ्री होता है तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखते हैं मेरे हेयर मुझे बहुत ज्यादा पसंद.
कैसे यूज करना। सो आपकी हेयर टाइप चाहे कुछ भी हो, आप अपने पूरे हेयर में इसे अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ रूट्स को आपको अवॉइड करना है। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, किसी भी पर्पस आप यूज कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैं यूज करती हूँ मैंने तो बताई ही है। और जिस दिन मैं अपने हेयर को वॉश करती हूँ, फाइनल टच के लिए भी मैं इस सिरप को यूज करती हूँ। सो एज आई टोल्ड यू ऑल, ये हेयर सिरम सारे हेयर टाइप्स के लिए है। आपकी हेयर चाहे नॉर्मल हो, स्ट्रेट हो, स्मूथ हो, केमिकली ट्रीटेड हो, या फिर मेरी तरह वेवी, फ्रीजी, कर्ली, कुछ भी हो, तो आप इस हेयर सिरम को यूज कर सकते हो। अगर आपको मैनेजेबल सुपर नरिश्ड हेयर चाहिए, सुबह उठने के बाद आप देखो कि आपकी हेयर बहुत ज्यादा नरिश्ड एंड मैनेजेबल है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको इस सिरम को ट्राई करना चाहिए। ये सिरम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 100 ml आपको मिल जाएगी 649 rupees में। कम्प्लीटली ओर्थेट है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और इसके 30 ml भी आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है, आप अपने पर्स में बैग में रख सकते हो, वो भी मुझे काफी पसंद है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी आप इसे ट्राई करो। आप सबके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, और मुझे लगता है इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे। तो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। होपफुली ये जो वीडियो है आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।